औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान मुदस्सिर अली मिनहास और आज फिर मैं हाज़िर हूँ आपके लिए एक नई वीडियो के साथ। जी नाज़रीन, आज हम आपके लिए तीन मरला का मॉडर्न डिज़ाइन का बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत घर लेके आए हैं। आपको घर का एलिवेशन दिखाया जा रहा है, बेहतरीन एलिवेशन ऑनर ने डिज़ाइन किया हुआ है, मॉडर्न डिज़ाइन में इस घर को तैयार किया है। आप इसका एलिवेशन देखें, बहुत ही प्यारा और बहुत ही सोबर इसका एलिवेशन है। फ्रंट के ऊपर आपको टाइल वर्क और रोक वर्क के साथ आपको इसका एलिवेशन मिलता है। फ्रंट के ऊपर आप देख सकते हैं कि CNC कटिंग की ग्रिल्स भी लगी हुई हैं और इसी तरह से गेट के ऊपर भी CNC कटिंग का डिज़ाइन है। वीर्स, ये इसकी लोकेशन की मैं अगर बात करूँ तो शादाब हाउसिंग सोसाइटी में ये घर मौजूद है। दोबारा से इसका एलिवेशन देख लें, बेहतरीन इसका एलिवेशन है। शादाब हाउसिंग सोसाइटी में घर मौजूद है। गैस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर हर चीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। रजिस्ट्री इंतकाल की ऑप्शन है, जो लोग अच्छे और सॉलिड घर की तलाश में उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। तो वीर्स, बगैर आपको इंतज़ार करवाए इस घर के अंदर लेके जाना चाहूँगा। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें ताकि न्यू आने वाली लेटेस्ट वीडियोस आपको मिलती रहें। हमारा ऑफिस जो है वो शादाब हाउसिंग सोसाइटी में भी मौजूद है। हेड ऑफिस हमारा सेंट्रल पार्क हाउसिंग सोसाइटी में और एक ऑफिस हमारा हमजा टाउन में है। तो आपको इनके रिलेटेड किसी भी जगह पर क्यूरीज आपकी हो तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपको घर के अंदर लेके चलते हैं, मुकम्मल डिटेल देते हैं। फिर आपके लिए हमने घर का गेट ओपन करवा लिया है, आपको घर के अंदर लेके चलते हैं। स्टार्टिंग के ऊपर पहले मैं आपको दिखा दूं वीर्स, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे जो लॉन एरिया है उसको यहाँ पे टफ टाइल लगा के नीट एंड क्लीन कर दिया गया। आप यहाँ पे गमले वगैरह रख सकते हैं अपने, और मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। जैसे ही अंदर लेके चलते हैं, ये छोटी गाड़ी का गैराज मिलता है। गैराज से अंदर आते ही हमें यहाँ पर मोज़ेक का काम मिलता है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत ही प्यारी कुरानी आयत लिखी हुई है। ड्राइंग रूम का डोर आपको सेपरेट मिलता है। ये डबल यूनिट हाउस है। इसकी गैराज की मैं आपको सीलिंग दिखाता चलूँ। गैराज की सीलिंग आप देखें, खूबसूरत सीलिंग है, और यहाँ से ही आपको स्टेयर्स ऊपर के लिए मिल जाती हैं। ये आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारी इंटीरियर डिज़ाइनिंग, और इम्पोर्टेड वॉलपेपर्स का इस्तेमाल किया गया है। स्टेनलेस स्टील की रेलिंग अच्छी क्वालिटी में लगी हुई है। तो ये आप देख सकते हैं डबल यूनिट हाउस है। इसके डोर्स आप देखें, बड़े खूबसूरत डोर्स लगाए गए हैं। ये माशाल्लाह बेहतरीन डोर्स हैं। और इसी तरह से वीर, जैसे हम यहाँ से अंदर आते हैं तो ये आप देख सकते हैं किचन। किचन में सुपर हाई ग्लोस की शीट लगी हुई है, बेहतरीन शीट है। अडीन का हुड आपको मिलता है। यहाँ पे चूल्हा आपको इंस्टॉल मिल रहा है, ये काफ़ी महंगा काम किया हुआ है। यहाँ पे ये आप देखें चॉइस का चूल्हा आपको मिल रहा है। और इसके अलावा जितनी भी एक्सेसरीज़ हैं बहुत ही हाई क्वालिटी में यहाँ पे एक्सेसरीज़ लगाई गई हैं। स्टेनलेस स्टील में यहाँ पे आपको सिंक मिलता है, और किचन की जो आप शीट है ये आप देखें बेहतरीन है। ये सुपर हाई ग्लोस की ग्लोसी शीट लगाई गई है। तो व्यूअर्स, जैसे मैं आपको आगे की जानब लेके चलता हूँ, ये आप देखें ये ड्राइंग रूम और लाउंज एरिया आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपर विंडो दी गई है वेंटिलेशन के लिए, और ये आपको मैं दोबारा से दिखा देता हूँ। ये आप देखें बहुत ही प्यारा काम किया गया है। ये इसका ड्राइंग और लाउंज, यहाँ पे वॉलपेपर वर्क आप देखें, खूबसूरत वर्क है। और यहाँ पे जो मीडिया वॉल डिज़ाइन की गई है आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त और ख़ूबसूरत लग रही है। यहाँ पे अभी डाइस बनने बाकी हैं, वो ऑनर कह रहे हैं कि हम आपको बना के देंगे। ये आप देखें कि कितना अट्रैक्टिव मीडिया वॉल है। इसके बाद आप देखें इसकी सीलिंग बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और प्यारी की गई है। सीलिंग में आपको रोप लाइट इंस्टॉल मिलती है। इसी तरह से वीर्स, आपको मैं आगे लेके जाना चाहूँगा। पूरे घर की जो इंटरनल वॉल्स हैं, एक्सटर्नल वॉल्स हैं, 9 इंचेस में रखी गई हैं। ये आप वॉल्स देखें, और सबसे मज़े की बात, ये जितनी भी इसकी जुगाटें ये लकड़ी में रखी गई हैं। ये अच्छा खासा एक्सपेंस है, कोई भी इन्वेस्टर जो है वो बहुत कम इन्वेस्टर्स हैं करते हैं। ये टोटल वुडन में है, लकड़ी में जुगाटें सारी तैयार की गई हैं। तो बेडरूम में आते ही वीर्स, यहाँ पर आप देखें माशाल्लाह वॉल पेपर का आप डिज़ाइन देखें। माशाल्लाह इसके जो ऑनर हैं, हाई साहब हैं, अल्लाह पाक उनको सलामत रखे। इस बार हज भी करके आए हैं और बड़ी एक सआदत की बात है। दूसरा ये कि इनके ज़्यादातर घर जो हैं वो DHA में तैयार होते हैं। ये सेम DHA लेवल की कंस्ट्रक्शन यहाँ पे इन्होंने की हुई है। ये सीलिंग डिज़ाइन आप देखें, खूबसूरत सीलिंग डिज़ाइन। इस साइड पे वॉशरूम, यहाँ पे वार्डरोब्स आप देखें। वार्डरोब्स आपको बड़ी मिलती है, अक्सर लोग बनाते हैं 3 डोर्स वाली, लेकिन उसके डोर्स छोटे होते हैं, वो साइज़ छोटा होता है। ये बड़े साइज़ की है। अब मैं आपको वॉशरूम दिखाता हूँ इसका। ये जी व्यूअर्स वॉशरूम आप देखें ज़रा, मैं ज़रा दूर से दिखाता हूँ। इसमें जो टाइल्स यूज़ की गई हैं ये सारी मैट फिनिशिंग में टाइल्स हैं।
ये सारी मैट फिनिश में टाइल्स हैं, कमोट है यहाँ पे, और एक्सेसरीज जो है वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी में लगाई गई है। ये आप एक्सेसरीज देख सकते हैं, बेहतरीन क्वालिटी में एक्सेसरीज हैं, और वो वॉश बेसन आप देखें बेहतरीन है, प्रॉपर यहाँ पे टाइल वर्क है, बहुत ही प्यारा और यूनिक काम किया गया है। तो इसी तरह से वेज हम चलते हैं ऊपर की जानी फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये वेंटिलेशन एरिया मिसाइल मोटर आपको मिलती है, 150 फिट पे बोर है इसका। जैसे ही हम ऊपर चलते हैं स्टेयर्स पे आपको ट्रॉपिकल मार्बल मिलता है। स्टेयर्स के साथ साथ ये ग्लिटर वाला वॉलपेपर है, 3D में है, ये आपको मिलता है। ऊपर चलते हैं व्यूअर्स, स्टेयर्स से ऊपर आते ही हमें यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा बड़े साइज का वॉलपेपर मिलता है। और यहाँ पे सबसे मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे भी डोर लगा दिया गया है। फर्स्ट फ्लोर से स्टेयर्स आपकी बिल्कुल आप देखें कि सेपरेट हो जाती हैं, मतलब कि आपने ऊपर वाला पोर्शन रेंट आउट करना है तब भी ये पोर्शन बिल्कुल सेपरेट है। और कल को अगर आप तीसरा फ्लोर बनाते हैं कल को, वो भी आप इजीली रेंट आउट कर सकते हैं। ऊपर आते ही सेम नीचे वाला नक्शा, सेम डिज़ाइन। किचन आप देखें, यहाँ पे भी हुड इंस्टॉल कर दिया गया है, हालांकि यहाँ पे एक हुड इंस्टॉल करके दिया जाता है, लेकिन माशाल्लाह भाई साहब जो है वो दो हुड इंस्टॉल करके देते हैं। उसके बाद आप फिनिशिंग देखें, क्वालिटी देखें, माशाल्लाह बहुत ही अच्छी क्वालिटी। और ये लाउंज, ये फर्स्ट फ्लोर का लाउंज एरिया, ये आप देखें इसका सीलिंग डिज़ाइन देखें। और ये टेरेस वाले बेडरूम में मैं आपको लेके आया हूँ, इसमें प्रॉपर आपको विंडो मिल रही है वेंटिलेशन के लिए, और ये मीडिया वॉल, सॉरी फीचर वॉल, और टू सेक्शन में वार्डरोब्स। इस तरफ वॉशरूम, टाइल फ्लोरिंग कंप्लीट है, और यहाँ पे आपको बेसिन की ऑप्शन मिल रही है। कमोड भी है, वुडन टेक्सचर में टाइल्स हैं। और इसी तरह से मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये आप देखें 9 इंच की दीवारें, लकड़ी की जुगाटें, और ये बेडरूम। अब बेडरूम को एरियल व्यू आपको दिखा रहा हूँ, 360 व्यू आप देखें, सीलिंग डिज़ाइन, और थ्री सेक्शन में वार्डरोब्स। ये आप वार्डरोब्स देखें, माशाल्लाह बहुत ही प्यारी शीट लगाई गई। और ये वॉशरूम, अच्छा यहाँ पे इन्होंने सब वॉशरूम्स में मैट फिनिशिंग टाइल्स लगाई हैं जो आजकल ट्रेंडिंग के ऊपर हैं। शाइनिंग वाला अब दौर गया, लोग मांगते हैं मैट चीज़ें, तो ये मैट फिनिशिंग टाइल्स लगाई गई हैं। ये वैनिटीज़ हैं और स्रोप लाइट वगैरह भी इंस्टॉल की गई हैं। अब व्यूअर्स आपको मैं लेकर चलता हूँ बिल्कुल रूफ टॉप पे, और आपको इस घर की प्राइस भी बताते हैं। शादाब हाउसिंग सोसाइटी LDA से अप्रूव सोसाइटी है, शादाब में ये घर मौजूद है, रजिस्ट्री इंतकाल के ऊपर है। ऊपर आते ही हमें यहाँ पे वॉलपेपर्स नहीं सब मिलते हैं। ये ऊपर स्टोर रूम, और ये छत आप देख सकते हैं कि प्रॉपर छत के ऊपर भी टाइल फ्लोरिंग की गई है, क्योंकि बहुत ही अच्छी बात है। वीर इस घर की अगर हम डिमांड की बात करें तो इस घर की डिमांड 1,15,00,000 की जा रही है। 1,15,00,000 इस घर की डिमांड है, टोकन के ऊपर कमी बेशी हो सकती है। अगर आप इस घर को बाय करने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। हमारा ऑफिस भी शादाब हाउसिंग सोसाइटी में मौजूद है। उम्मीद करता हूँ वीर्स ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई हो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।